अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है दही भल्लों की। दही भल्ले बनाना तो वैसे बड़ा आसान काम है, लेकिन आज मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करूँगी कि मैं इस दही भल्ले कैसे बनाती हूँ। बड़ा आसान तरीका है और 5 मिनट में या 10 मिनट में ये बन जाते हैं, अगर आपने मतलब पहले से अगर आपने तैयारी की हो थोड़ी सी चीज़ों की, जैसे आलू बॉईल कर किए हों पहले से, जो पकौड़ियाँ होती हैं हमारी उन्हें पहले से ही सॉक किया हो। जैसा कि मैंने ये तकरीबन 3 कप पकौड़ियाँ ली थी, इसमें मैंने गर्म पानी ही डाला था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं, घी में तली हुई होती हैं, तो इससे ये होता है कि इसके अंदर जो अनहेल्दी फैट होता है वो थोड़ा निकल जाता है। तो ये 3 कप पकौड़ियाँ जिन्हें मैंने तकरीबन आधा घंटा सॉक करके रखा है और अब ये रेडी हो चुकी हैं, तो इन्हें मैं ड्रेन करूँगी पहले। और ड्रेन करने के बाद जो है वो इसको मैं दही भल्ले बनाने शुरू करूँगी इसके। अच्छा जी, तो अपने दही भल्ले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सैलेड के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें ये क्यूकम्बर है, खीरा, यानी ये तकरीबन 1 खीरा है, ठीक है। बंद गोभी लिए हमने चॉप की हुई, इसे ऐसे चॉप कर लें। उसके अलावा टमाटर है हमारे पास, 1 अदद टमाटर हमने लिया था, उसे भी यूं ही चॉप किया है। और ये प्याज है, इसको भी हमने 1 अदद प्याज था उसे चॉप किया है। तो टोटल हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं सैलेड के लिए वो ये हैं, ठीक है। खीरा है, बंद गोभी, प्याज और टमाटर। अच्छा जी, तो दही भल्लों के लिए सबसे मेजर इंग्रेडिएंट जो होता है वो दही होता है, तो ये हमने दही लिया है। ये होममेड दही है, होममेड दही मतलब यानी इसे हमने घर पे ही जाग लगाई है, घर पे ही जमाया है। तो ये हमारे पास दही है, इसको आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। आप चाहें तो जो वो विस्कर होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो दही यहाँ हमारा फेंटा जा चुका है। अब इसमें जो है मैं पुदीने की चटनी ऐड करूँगी। पुदीने की चटनी की रेसिपी भी मैंने रमज़ान स्पेशल के सिलसिले में शेयर की हुई है, आप चाहें तो ये वहाँ से ले सकते हैं, आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डालूँगी और फिर इसको फेंटेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें नमक मैंने चटनी में ऑलरेडी डाला हुआ है, इसलिए मैं दोबारा मज़ीद नमक इसमें नहीं ऐड करूँगी। अच्छा जी, तो ये दही हमने यहाँ तैयार कर लिया अपना, अब हम बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको रेडी करेंगे, ठीक है। ये 2 बॉइल्ड पोटैटो हैं, उबले हुए आलू, इनको मैंने पहले से उबाल लिया था और बाद में इनको ठंडे पानी में थोड़ी देर सोख लिया ताकि ये ठंडे हो गए। अब इनको पील करेंगे और इनको भी चॉप कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये आलू हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इन्हें बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद थोड़ी देर ठंडे पानी में रख के इसको हमने पील कर लिया, इसका छिलका उतार के इसको छोटा छोटा चॉप कर दिया, ठीक है। अब जो है हम बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, तो ये पकौड़ियाँ मैं आपको दिखा दूँ, इसको मैंने ड्रेन कर लिया है, पानी इसका सारा निकाल दिया है। और इसको उसके बाद गर्म पानी निकालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड किया था ताकि ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से रेडी हो चुकी हैं दही भल्लों में जाने के लिए। अब इन सबको हमने सिर्फ असेंबल करना है, मिक्स करना है और बस दही भल्ले तैयार। अच्छा जी, तो अब हम अपने जो दही भल्ले हैं उनको असेंबल करना शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो है हम पकौड़ियाँ उनको इस बाउल में ऐड करेंगे, उसके बाद ये आलू है ये डाल दिए। इसके ऊपर ये दही ऐड करेंगे, थोड़ा सा भी करेंगे, थोड़ा सा बाद में। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छा जी, तो ये मिक्स हो गए हैं, अब इसमें हम जो अपना सैलेड है वो ऐड करेंगे।
सबसे पहले ये प्याज है हमारे पास चॉप की हुई, ये डाल देंगे सारी। खीरा चॉप किया हुआ, बंद गोभी है उसे भी चॉप किया था हमने, और यहाँ ये टमाटर है इन्हें भी चॉप किया है, ये भी डाल देंगे। अब इसको फिर से हम मिक्स करेंगे। जो हमारा बचा हुआ, जो हमारी बची हुई दही थी वो इसके इसमें ऐड करेंगे। इसको फिर से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से साइडों से भी अच्छे तरीके से ये हमने मिक्स कर लिया। तो ये हमारे जो दही भल्ले हैं ये तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके अलावा जो प्रेस बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।